वाह क्या सीन है, मतलब आप कुछ और फुंतड़ू बन रहा है यहाँ पर। एक नंबर का झूठा इंसान है, झूठा वो आज इसने खुद ही प्रूफ कर दिया कि भाई मैं झूठा हूँ। वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग, मैं मुकुल पंडित आपको दिखाता रहूंगा और आप देखते रहिए। तो अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे, यहाँ का हाईवे कम ये चमन चूतियों का रास्ता ज्यादा है। क्या सीन है, मतलब आप कुछ और फुंतड़ू बन रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या बनवा रहे हैं भैया जी। यहाँ पे भीड़ ना लगे ऐसा हो सकता है, कतई नहीं हो सकता, और ऐसे चमन चूतियाँ जरूर निकलते हैं। फाइनली हम हाईवे पर आ चुके हैं, ये है NH-27। तो हम बात कर रहे थे कोइंसिडेंस की, लखनऊ में थोड़ा सा मैटर हो गया था। वो क्या हुआ कि एक राइडर है, आपको अच्छे से पता होगा उनको, तो अभी भाई सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है, UK-07 बाबू भैया। तो भैया गया तेल लेने, एक नंबर का दुगला झूठा इंसान है, एक नंबर का, मतलब जो कहते हैं ना कि कोई अगर कुछ देख रहा है तो उसके अलावा बढ़ा चढ़ा के बात करता है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। भाई अपने व्यूज़ के लिए ना वो कुछ भी कर सकता है बंदा। ये चीज़ अभी तक हमने खाली सुनी थी और आज हमने डिटेल में देख भी ली, मतलब आँख के सामने हमने देख लिया कि एक नंबर का कितना झूठा मर इंसान है वो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको, ये वाली क्लिप देख के आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों बोला है। आप यहाँ पर ऊपर मैं क्लिप दे दूँगा, वो आप देखना, उसके बाद बताना कि मैंने ऐसा क्यों बोला है, और उसके बाद हम आपको उसके आगे की डिटेल बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ। ठीक, तब तक आप क्लिप देखिए। लड़का आया भीड़ में ना, पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा होता गाइस। थोड़ा सा उसने रितिका के साथ इनअप्रोप्रिएट व्यवहार कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद वो गाली गुली दे करके निकल गया। उसको लग रहा था कि वो भीड़ में ऐसा कुछ करेगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। गाइस डैश कैम इंस्टॉल्ड है, सुप्रा में डैश कैम इंस्टॉल्ड है, देख लिए ना। अब ये बताइए आप लोग कि इसमें लॉजिक क्या है। लॉजिक मतलब भाई जो झूठ बोलने का ये है कि भाई वो गाड़ी के बगल से निकला, इनकी मैडम को छेड़ा, और ये भी बता रहे हैं कि हाँ हमारी गाड़ी में सुप्रा में हर तरफ कैमरा लगा था, अंदर भी लगा था बाहर भी लगा था। भाई जब हर तरफ तुम्हारी गाड़ी में कैमरा लगा था तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? उसको भी तो डालो ना वीडियो में, व्लॉग में अपने, वो क्यों नहीं डाल रहे हो? भाई जब तुमने हर तरफ से रिकॉर्डिंग कर रखी है, तुमने तो इतनी भीड़ में तुम्हारे फेड़ के चला गया, उसके बाद फिर तुमने उसको चेज भी किया, इसमें स्कूटी से था, मतलब दिमाग विमाग नहीं है, भेज के पट्टी खा लियो। अजय टोपी आज आदमी है यार, मतलब एक तरफ आदमी बोले जा रहा है कि मेरी गाड़ी में हर तरफ से कैमरा लगा था, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां मैंने वहां कैमरा लगा हुआ यार। लेकिन फिर उसके अगर जो तुम बता रहे हो कि हाँ उसने हमारी मैडम को हरेस किया है, उसकी क्लिप भी तो दिखाओ कि क्या हुआ। तो कैमरा है तुम्हारे पास, हर तरफ तुमने कैमरा लगा रखा है, तो भाई उसमें रिकॉर्डिंग हुई होगी। शकल तक देखे नहीं है, चमन चूतिया बने घूम रहे हैं, जबकि उसने कोई गलती तक नहीं की। तुम्हें लग रहा है कि भाई वो ये वो करके गया, साले व्यूज़ के लिए इतना कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पब्लिक चूतिया है उसको चूतिया बना लो। हर इंसान चूतिया नहीं है जिसको तुम लोग चूतिया बना के रखते हो। बड़े आए हैं UK-07 भाई, होंगे तुम्हारे 4-5 मिलियन 10 मिलियन होंगे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर होंगे, वो तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो जितना है उतना काफ़ी है। लेकिन भाई लॉजिक बात करो, लॉजिक हो जिसमें कोई सेंस हो, नॉनसेंसन वाली बात ना करो। अरे बंदा आराम। और हाँ, तुमको उस टाइम पे किसने क्या बोला था, अब उसने ही बोला था या किसी और ने बोला था, ये तो मेरे को डिटेल में नहीं पता, लेकिन पता है। अबे छपरी। अब भाई जब वैसी हरकतें करोगे तो आदमी वैसे ही तो बोलेगा, जो जैसी हरकतें करेगा उसको वैसे ही आदमी बोलेगा। भाई हम करें हमें भी बोलो, हम अगर छपरी बना करें तो बोलो भाई कि हम छपरी हैं, बाकी की बात आके आप समझदार हो। हर हर महादेव। और ये इंसिडेंस ना ये अभी हुआ है, जब ये UK-07 अभी लखनऊ आया था तो उसके ब्लॉग में इसने ऐसा बोला और फिर ये सब डाला।
भाई मैंने ब्लॉग देखा, मैं शॉक हो गया कि भाई ये कैसे हो सकता है। भाई हमें नहीं भरोसा होता कि हाँ ऐसा वो कुछ कर सकता है। ये वाला ब्लॉग देख के ना मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। क्या कोई आदमी इतना झूठ कैसे बोल सकता है, वो भी सिर्फ व्यूज़ के लिए। इतना झूठ बोल के कहाँ जाओगे, क्या व्यूज़ के, उससे पैसे ही कमा रहे हो और कुछ तो कर नहीं रहे हो। लेकिन भाई किसी दूसरे की ज़िंदगी तो ना बर्बाद करो झूठ बोल के, क्या मिल जाएगा उससे। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी तो बना लिए, भाई दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो वो भी झूठ बोल के। ये भी ठीक है भाई, बड़े लोग बड़ी बातें, भाई बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें ही होंगी ही, छोटे लोगों को कहाँ ये लोग भाव देंगे। छोटे लोगों को भाव दे देंगे तो ये लोग छोटे नहीं हो जाएंगे, चाहे जितना बड़े बन जाए, चाहे जितने सब्सक्राइबर बटोर लें, जितनी भी पब्लिक ले लें, रोसेना बना लें अपनी, लेकिन हले छपरी के छपरी ही रहेंगे। अब हम भी बोल रहे हैं वही चीज़, मेरा ब्लॉग डिलीट करवाना है, करवा दो डिलीट। कब तक डिलीट करवाओगे, एक डिलीट करवाओगे, दो डिलीट करवाओगे, तीन डिलीट करवाओगे, कब तक डिलीट करवाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अकाउंट पे स्ट्राइक करवाओगे, हम फिर से अकाउंट बना लेंगे दूसरा। लेकिन भाई जो चीज़ गलत है वो गलत है, और हम गलत को गलत बोलेंगे। तो उसके साथ तुम अगर ऐसे करोगे, गलत चीज़ें बताओगे, झूठ बोलोगे, तो आदमी बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा। अभी इसी के आगे एक छोटी सी क्लिप और डाल रहे हैं, वो भी देख लेना कि इसने बंदे ने क्या क्या बोला है और क्या झूठ बोला है। एक नंबर का झूठा इंसान है, झूठा। वो आज इसने खुद ही प्रूफ कर दिया कि भाई मैं झूठा हूँ, अपने मुंह से प्रूफ कर रहा है भाई ये, झूठा हूँ और झूठा ही रहूँगा। वो बंदा भीड़ में गाड़ी के पास आया, साइड वाला विंडो खुला हुआ था, वो विंडो ओपन थी बिल्कुल, एंड उसने मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, मैं बैठी हुई थी, उसने अपना हाथ डाला अंदर एंड वो फिजिकल टच करके चले गया। वो स्कूटी में था, वो बिल्कुल भाग गया। लेकिन एक सेकंड, जब तुम लेफ्ट साइड थी तो इसका मतलब स्कूटी भी लेफ्ट साइड होगी। लेफ्ट साइड स्कूटी होने का मतलब है कि एक्सीलेटर होता है राइट साइड में। गजब भाई साहब गजब, क्या टोपी बाज आदमी है यार, क्या चूतिया बनाया है लोगों को। कुछ सोच के तो बोलो कम से कम, लॉजिक तो लगाओ कि बोल क्या रहे हो। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो, खुद लेफ्ट साइड थे, स्कूटी भी लेफ्ट साइड थी, और स्कूटी का एक्सीलेटर होता है राइट साइड में, तो भाई वो एक्सीलेटर लेगा या सुप्रा में तुम्हारे अंदर हाथ डालेगा। गजब, बहुत बढ़िया, एकदम अति उत्तम, वाह। बस अभी हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन भाई साहब जो दोनों साइड में गार्डन गार्डन चलता है ना, बड़ा मजा आता है। इधर भी पत्ती, उधर भी पत्ती, आगे भी पत्ती, पीछे भी पत्ती, हर तरफ पत्ती पत्ती, मजा आ गया। दादाजी गार्डन में टहल रहे हैं। अच्छा पीछे की पूरी वीडियो देख ली होगी ना आप लोगों ने, तो कमेंट करके बताइए क्या उसने सही किया। अभी कबूतर उड़ गया था, यो का हो गया। अरे भैयो कहाँ खोस दिए, एक मिनट ब्रेक मार लें थोड़ा सा। ठीक तुम निकलो, तुमको देखें जरा भैया कहाँ डिवाइडर में कुचेड़ दियो। अच्छा खराब हो गया, ठीक कोई बात नहीं, सब फिर खड़ी रखो आराम से। हमको लगा इस रोड पे कहीं खोस दिए ले जाके, पहले कोई भरोसा नहीं होता ना, बेचारों को नींद आ गई तो खेल दिए ले जाके। यमराज साहब सर, अगर ये वाला व्लॉग आप देख रहे हो तो इसको सपोर्ट दीजिए, और इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दबा के फैला दीजिए, एकदम चरचरा के बिना रुके साए साए फैला दो इसको, समझ रहे हो ना। तो बाय बाय टाटा। एक को बचाना मत भूलना।